समीर शेख कहते हैं फनाफी शेख का मुकाम क्या होता है और उसको कैसे हासिल करें बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया माशा बड़ा अच्छा सवाल किया है ये तो तस्वुफ का आपने सवाल किया फनाफी शेख का मतलब ये होता है कि इस शेख के लिए ईसार का ऐसा जज्बा हो ऐसा जज्बा हो कि अपने माल पर शेख के माल को ज्यादा हकदार समझे ये फनाशेख के की, की के एक अलामत है कि ऐसा जज्ब इशार अपने पिरशद की शोब में बैठ के या दूर अगर है तो ऐसा जज्ब इशार रखे कि अल्लाह जो मेरा ये मालो दौलत है इस पर मेरे पिर वर्शद का मुझसे ज़्यादा हक है वो इसमें से जितना चाहें जो जो चाहे इसमें से ले कर खर्च करें तो मुझे दोहरी मसरत तो ख़ुशी होगी एक ही कि मैं खुद खर्च करूं उस पर मुझे अकेहरी होगी लेकिन मेरे पीर मुरशद अगर मुझे कहें कि लाओ भी ये दो ये अल्लाह के रास्ते में ये दो भाई ये फला मकसद के लिए तो वह उसमें आपको दो खुशी हो इसका मतलब है कि आप जो है वो कोई ख़ाद नस्बत बातनी आपको शेख के साथ नसीब हो रही है और फनाफी शेख का मुकाम आपको नसीब हो रहा है क्योंकि फनाफ शेख के मुकाम के बाद आगे फनाफ रसूल का मकाम नसीब होता है फनाफिर रसूल का मकाम जब मिलता है उसके बाद फनाफिल्ला का मकाम नसीब होता है और उस फनाइत में जब इंसान जाता है अब अल्लाह तबारक वाली सालिक को बका अता फरमा देते हैं इस फना के अंदर जो फनाफिल्ला की है तो फना के अंदर बका है इसमें बका है पर यह वो हकीकत इंसान को हासिल हो जाती है जैसे इंसान सीढ़ियाँ चढ़ता है अब सीढ़ियों को तीन अगर स्टेप हैं तो पहले स्टेप पर इंसान चढ़ा है तो वहाँ तक गया वहाँ जो वो गया कि एक डेस्टिनेशन बना हुआ है हैं। उसके बाद अब दूसरा चढ़ा गया तो उसके बाद तो जो हाईलैंड बना हुआ है वहाँ से फिर तीसरा और उसके बाद छत आ गई अब ये कहाँ वो बिल्कुल नीचे तो कहाँ अब छत के ऊपर पहुँच गया है यह है बिल्कुल इसी तरीके से पहले फनाफी शेख के मुक़ाम को इंसान पहुंचता है और उसका मैंने इशार अपने जो माल का इशार इस कदर हो इसलिए तो जब वो हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह किसी शख्स को उस वक्त तक मुरीद और बैत नहीं करते थे जब तक कि उससे ये नहीं पूछ रहे थे कि क्या तेरे अंदर ये जज्बा है कि मैं अपने तो अपने माल पर मेरे मेरे मुझे मेरा ज़्यादा हक़ समझता है यानी तू ये समझता कि मेरे माल पर मेरे शेख का ज़्यादा हक़ है अगर ये जज्बा तेरे अंदर है तो मैं तो ये बैत करता हूँ तो इसमें बात नहीं से तुझे नफ़ा होगा बस औकत भी कहता है जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी मेरे माल पर आपको ज़्यादा हक़ है आप जब जब चाहे लें जब चाहे दें ये सोचता है और लेकिन एक बात दफ़ा एक शख्स कहता है, नहीं अभी इस मुकाम पर तो नहीं पहुँचा मैं अपने माल पर अपना हक़ ज़्यादा समझता हूँ मैं कह नहीं अभी मनाजिल तय करो अभी तुम्हारी महफिल में आते रहो फिर हम आपको बैत करेंगे तो गोया कि ये तो ये ईसार का जज्बा इस दर्जे को पहुँचता है तो ये फ़नाफी शेख के मुकाम और फनाफी शेख के बाद जो इंसान फिर फनाफ रसूल के मुकाम पर जाता है फिर फ़नाफल के मुक़ाम पर और मैंने बताया कि जैसे इंसान आखिरी सीढ़ी तय करता है तो ऊपर छत की बुलंदी पर पहुँच जाता है कहाँ पस्ती में था कहाँ बुलंदी पे पहुंचा हुआ है बस यही होता है जब अल्लाह तबारक वाली यानी फनाफिल्ला के मुकाम पे जाता है तो अब अल्लाह उसको फनाइ से बका में बदल देते हैं उसको दायमी बका अता फरमा देते हैं यह बका बिल्ला का मुकाम होता है जो अल्लाह तबारक वाल सालिक को अता करते हैं चाह आपने पूछा कैसे हासिल किया जा सकता है हासिल करने का तरीका भी साथ ही बता दिया कि जिस पिर वर्शद के साथ आप बैत हैं जिस शेख के साथ बैठ हो तो अपने शेख को अपने जो है माल के ऊपर ज़्यादा हकदार समझें और अमली तौर पर जब वक्त आए तो आगे बढ़ के उसके अंदर आप हिस्सेदार बनें इसका मतलब है कि आप जो उस मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं